गुड मॉर्निंग बेटा। वो कहते हैं ना कि गालिब एक बात अक्सर कहा करते थे कि तूने बहुत लोग देखे होंगे मुझ जैसे, मगर देखना एक दिन सबसे अलग दिखूंगा मैं। और लगे कभी बाजार इंसानियत का तो बेच के देखना सबसे महंगा बिकूंगा मैं। तो बेटा डिटरमिनेंट से ही लेक्चर 11 हमारा, एक्सरसाइज 4.6 आज हम सोल्व करेंगे। कोशिश करेंगे कि आज के इस कम एक ही लेक्चर में आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लें, इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट कर लेंगे, फिर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इससे जो नेक्स्ट वीडियो है बेटा वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यानी कि सेकंड चैप्टर से हम बनाएंगे, कैलकुलस का जो एक पार्ट है वहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। एलिमेंट्स के बुक से ही अब जितने भी लेक्चर होंगे वो सारे के सारे होंगे, ठीक है? तो बने रहिए हमारे साथ। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का ये टॉपिक। टॉपिक क्या है? सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है ना। हमारे पास इक्वेशंस थी, अगर आपको ध्यान हो 10th क्लास में, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इज इक्वल टू सी वन, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इज इक्वल टू सी टू। ये क्या थी? लीनियर इक्वेशन थी। और इस लीनियर इक्वेशन के हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमने फोर मेथड रीड किए थे। हमने ग्राफिकल मेथड पढ़ा था, सब्स्टिट्यूशन पढ़ा, एलिमिनेशन पढ़ा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ा। आज हम इसी तरीके की लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालेंगे, लेकिन किससे? डिटरमिनेंट मेथड एंड यू कैन से मैट्रिक्स मेथड, ठीक है ना। और एग्जाम में मैंने बताया इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, एक 6 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है, ठीक है? ओके, ध्यान दे। करना क्या है आपने? सबसे पहले ये हमारे पास फॉर्म होगी, इस फॉर्म को सबसे पहले आपने इसमें कन्वर्ट कर लेना है, ए वन बी वन ए टू बी टू इन टू में एक्स वाई इज इक्वल टू सी वन सी टू, ठीक है। तो ध्यान दें, जो ये मैट्रिक्स आई है ना, ये होगी बेटा मैट्रिक्स ए, ये होती है मैट्रिक्स एक्स और ये होती है मैट्रिक्स बी। अगर इसको मैं यूं लिख दूं ना तो ये गलत नहीं होगा, और इसको सोल्व करेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों ये कंडीशन निकल के आ जाएंगी, ठीक है। तो अब आपने कन्फ्यूज नहीं होना कि सर डिटरमिनेंट ए कहाँ से आया। तो ध्यान दे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये हमारे पास सोल्व करने के बाद ए बी एक्स मैट्रिक्स आ गई, सबसे पहला काम डिटरमिनेंट ए देखना है। अगर डिटरमिनेंट ए नॉन जीरो है तो देन सिस्टम इज कंसिस्टेंस, तो सिस्टम कंसिस्टेंस होगा और यूनिक सॉल्यूशन होंगे, मीन्स उसके अद्वितीय हल होंगे। फाइनली क्या निकाल लेंगे? एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी निकाल लेंगे, ठीक। ये कंडीशन। कंडीशन सेकंड, इफ डिटरमिनेंट इज जीरो, सपोज करो डिटरमिनेंट जीरो आ गया तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? एडजॉइंट ए डॉट बी निकालना। अब एडजॉइंट ए डॉट बी पे भी दो कंडीशन, या तो ये जीरो होगा या ये नॉन जीरो। अगर ये नॉन जीरो है तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट और नो सॉल्यूशन, काम वहीं पे खत्म, ठीक है। अगर एडजॉइंट ए डॉट बी जीरो आ गया था देन सिस्टम कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंस भी हो सकता है, सॉल्यूशन इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, नो सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर, ठीक है ना। बट मेरे लाडलो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो हमारे पास एक्सरसाइज 4.6 है ना एनसीईआरटी की, सारे के सारे क्वेश्चन हमारे यूनिक सॉल्यूशन पे ही होंगे, इसी कंसिस्टेंस पे होंगे। अगर इनकंसिस्टेंस पे होंगे ना तो ये कंडीशन आएगी, ये कंडीशन नहीं आएगी। और एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना वो 3 वेरिएबल से आता है और इस कंडीशन के ऊपर आता है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, ये वर्किंग रूल को अच्छे से माइंड में सेट कर लेना है। जब ये सेट हो गया ना तो यूँ मान लो कि आपने एक्सरसाइज ही सोल्व कर ली, ठीक है। तो ये सारा का सारा अगर आपको समझ में आ गया है तो बच्चों मैं ज़्यादा टाइम नहीं खराब करता हूँ, मैं जल्दी से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि कोशिश करेंगे कि आज के है ना इस एक ही लेक्चर में कंप्लीट इस एक्सरसाइज को हम सोल्व कर लें, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या क्या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, फर्स्ट में इसने कहा कि हमारे पास ये एक लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल एक्स और वाई, हमने चेक करना है कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी। पहले जो 6 क्वेश्चन है ना उनमें कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी ही चेक करनी है, ठीक है। तो ध्यान दे, यहाँ से मैट्रिक्स ए बनाएं, हेयर मैट्रिक्स ए, क्या है मैट्रिक्स ए? 1 2, कोफिशेंट ऑफ एक्स वाई है भाई 2 और 3, ठीक है ना। एक्स जो भी वेरिएबल हो वो लिख दे, एक्स वाई एंड बी मैट्रिक्स बी राइट हैंड साइड में जो एलिमेंट है कितने हैं? 2 है और 3 है, ठीक है ना। चेक क्या करना है, डिटरमिनेंट ए कितना आ गया? डिटरमिनेंट ए 3 -4 -1, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा? जब डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 था तो क्या था? सिस्टम इज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट
एंट एंड यूनिक सॉल्यूशन, एंड यूनिक सॉल्यूशन, एंड यूनिक सॉल्यूशन। तो बस ये आंसर आ गया। हालांकि इसने यूनिक सॉल्यूशन पूछा भी नहीं, उसने कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी के बारे में पूछा, आपने कंसिस्टेंस बता दिया इसको। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपने करना है, थर्ड मैं करवा देता हूँ। क्या कहा कि x प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू फाइव, x प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू फाइव, टू एक्स प्लस सिक्स वाई इज इक्वल टू एट। ठीक है ना, ओके। तो ध्यान दे बच्चों, ए बनाई मैट्रिक्स ए क्या है, वन थ्री टू सिक्स, ठीक है ना। एक्स बनाई मैट्रिक्स एक्स क्या है, एक्स वाई। बी बनाई मैट्रिक्स बी क्या है, फाइव एट। ठीक है, ओके। डिटर्मिनेंट निकाल लें, डिटर्मिनेंट ए कितना आ गया, डिटर्मिनेंट ए सिक्स माइनस सिक्स दैट इज ज़ीरो। जब डिटर्मिनेंट ए था तो हमने क्या निकालना था, नेक्स्ट स्टेप एडजॉइंट ऑफ ए और इनटू में बी। एडजॉइंट ऑफ ए का डायरेक्ट मेथड से मैं निकाल रहा हूँ क्या था, पोजीशन चेंज सिक्स वन, और किसकी भाई, साइन चेंज। ठीक है ना, एडजॉइंट ए आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या था कि एडजॉइंट ए और इसकी मल्टीप्लाई करनी है, किससे बच्चों, बी से करनी है। कितना है, सिक्स माइनस थ्री माइनस टू वन, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ गया, फाइव और एट। सोल्व करें इसको, कितना आ गया, छः पंजे तीस माइनस आठ तिया चौबीस, ठीक है ना, यही आ गया ना। और नेक्स्ट आ रहा है फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड रो माइनस टेन प्लस एट, कुल मिला के नॉन ज़ीरो। और नॉन ज़ीरो था तो क्या था, इनकंसिस्टेंट। क्या था, इनकंसिस्टेंट और नो सॉल्यूशन थे बच्चों। क्या था, इनकंसिस्टेंट था और नो सॉल्यूशन थे। ठीक है ना, तो कर लेंगे इस तरीके से। अच्छा, इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर अगर हम डायरेक्ट एडजॉइंट एग्जाम में कर देंगे तो क्या एग्जामिनर इसके मार्क्स काट लेगा। अगर दो नंबर में क्वेश्चन आता है तो बेटा फिर मार्क्स नहीं कटेंगे। अगर यही क्वेश्चन आपका पाँच नंबर में या छः नंबर में आता है, फिर आप अच्छे से एडजॉइंट के जो रूल्स हैं ना, को फैक्टर ऑफ वगैरह निकाल के इस तरीके से आपने कर लेना है। ठीक है, तो ये था बच्चों कौन सा, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब मैं सोल्व करता हूँ एक थ्री वेरिएबल से, और मैं क्वेश्चन फोर्थ लेता हूँ। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि इसमें ए दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, डिटरमिनेंट निकालने में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, अब हम सोल्व करते हैं एक्सरसाइज से कौन सा, क्वेश्चन नंबर फाइव। तो एक्सरसाइज से अब हम सोल्व करते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर फाइव। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फाइव चेक करना है कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस। और स्टेटमेंट है हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू वन, और 2x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू टू, और यहाँ पर है हमारे पास ए एक्स प्लस ए वाई प्लस में 2az और इज इक्वल टू कितना है बच्चों, 4 है। ठीक है ना, तो ध्यान दें, जल्दी से मैट्रिक्स ए बनाएं। लेट मैट्रिक्स ए या हेयर मैट्रिक्स ए 1 1 1 कोफिशेंट ऑफ एक्स वाई जेड, 2 3 2 और ए ए और 2a, ए ए और 2a। ठीक है, कोमा मैट्रिक्स x, तीन वेरिएबल हैं x y और z एंड एंड b। ठीक है ना, क्या है, 1 है 2 है और 4 है, 1 है 2 है और 4 है। ठीक है, ओके। डिटर्मिनेंट ऑफ a, मैं फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहा हूँ भाई, फर्स्ट कॉलम, ये कॉलम छूट गया ये रो, तो 6a और माइनस में 2a, दैट इज ये तो हो गया 4a, माइनस वन ये कॉलम ये रो, 4a माइनस 2a ये हो गया 2a, प्लस वन ये कॉलम ये रो, 2a माइनस में 3a ये हो गया माइनस a। सोल्व किया तो 4a माइनस 2a माइनस a, दैट इज a, दैट इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। a है हमारे पास, कंडीशन तो दे ही रखी ना कि a के ऊपर क्या है, कि a हमारे पास जीरो है या नॉन जीरो है। तो सपोज किया a क्या है, नॉन जीरो है, a नॉन जीरो है तो इसका मतलब क्या हो गया, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो इसका मतलब क्या हो गया, कंसिस्टेंस हो गया, और सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे इसके, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो कर लोगे ना इस तरीके से। ठीक है, अब हम करते हैं बच्चों कौन सा,
एक 2x2 से एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी के साथ साथ हमने उसके सॉल्यूशन निकालने हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, 6 तक तो यहाँ तक आपने आसानी से कर लेने हैं जो हमने अभी टाइप बताई है। अब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। जो सॉल्यूशन हमने जो है एलिमिनेशन मेथड वगैरह से पढ़ रखे हैं ना, वो अब मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करेंगे। और उसके लिए मैं ले रहा हूँ बच्चों क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर ले रहा हूँ मैं 7th। क्वेश्चन नंबर 7th क्या क्या है, 5x + 2y और इज इक्वल टू कितना है 3 है, और कितना है 3x + 2y और इज इक्वल टू कितना है 7x है और यहाँ पर 3y है और ये किसके इक्वल है 5 के इक्वल है और ऊपर है 5x + 2y इज इक्वल टू कितना है 4 है भाई, ठीक है ना, ये है स्टेटमेंट। ओके, तो सबसे पहला काम मैट्रिक्स ए बनाना। तो मैट्रिक्स ए क्या बन गई, 5, 2, 7, 3, ठीक है। एक्स मैट्रिक्स बनाइए, एक्स एक्स वाई, ठीक है ना। एंड मैट्रिक्स बी बनाइए भाई, बी मैट्रिक्स बी कितनी है, 4 और 5, ठीक है। ओके, अगला काम क्या है, डिटरमिनेंट ए निकालना। कितना हो गया, 15 - 14 इज इक्वल टू 1, दैट इज नॉन जीरो। क्या था, इफ डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू नॉन जीरो तो देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। ओके, क्या था फिर फॉर्मूला, दैट इज एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था कि एडजॉइंट ऑफ ए और डिवाइड में डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए मैंने डायरेक्ट निकालना बता रखा है, पोजीशन चेंज कितना हो गया 3, 5, साइन चेंज कितना हो गया -2 और -7, ठीक है। इसको बच्चों किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1 से डिवाइड करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या आ गया, ए इनवर्स आ गया। क्या है फॉर्मूला, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स जो कि कितना है 3 - 2 - 7 और 5, इसकी मल्टीप्लाई किससे, ए इनवर्स इंटू में बी, बी कितना है 4 है और 5 है। तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, मल्टीप्लाई करें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कितना हो गया ये 12 और माइनस में 10 हो गया। ओके, यहाँ पर हो गया हमारे पास 7 * 28 माइनस के तो 28 और प्लस के कितना हो गया 25 हो गया, ठीक है। और ज़्यादा सोल्व कीजिए, एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया और यहाँ से कितना आ गया -3, और एक्स क्या था, वेरिएबल नहीं है, एक्स मैट्रिक्स माननी थी, क्या है एक्स और वाई है, कितना हो गया 2 और -3। ऑन कंपेयरिंग एक्स तो आ गया 2 और वाई कितना आ गया -3, एक्स तो आ गया 2 और वाई कितना आ गया हमारे पास -3, और यहाँ पुट करके देखेंगे तो दोनों के दोनों क्या है आंसर ठीक है। तो ये था बच्चों हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यूजिंग मैट्रिक्स मेथड एंड यू कैन से डिटरमिनेंट मेथड। अब हम क्या करते हैं, एक 3 वेरिएबल का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, किसका करते हैं 3 वेरिएबल का क्वेश्चन करते हैं, और उसके बाद ये एक्सरसाइज है ना हमारी कंप्लीट ही हो जाएगी बच्चों, ठीक है। तो आगे और कुछ नया नहीं है, सारे क्वेश्चन में यही है, तो आपने सारे के सारे क्वेश्चन कर लेने हैं, इसके आसानी से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं एक 3 वेरिएबल्स का और करवा दूं, ठीक है, उसके बाद बाकी के क्वेश्चन में प्रैक्टिस आपने ही करनी है, नया कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं किसकी, 3x3 यानी कि क्वेश्चन नंबर 11th लेता हूँ भाई मैं। क्या कहा इसमें कि 2x + y + z 2x + y + z इज इक्वल टू 1 है, और यहाँ पर है x - 2y - z इज इक्वल टू 3/2 है, और यहाँ पर है बच्चों कितना 3y - 5z और इज इक्वल टू है 9, ठीक है ना, और यहाँ पर ये 1 है भाई। अच्छा कुछ नहीं है ना, x वाले स्टेटमेंट तो 0 × x लिख दिया करो, क्योंकि 0 की x से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रहेगा, और 0 को किसी में ऐड करेंगे कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला है। तो हेयर मैट्रिक्स ए क्या बनेगी, मैट्रिक्स ए 2, 1, 1, 1 - 2 - 1 और 0, 3 - 5, ठीक है।
कोमा मैट्रिक्स एक्स, मैट्रिक्स एक्स वेरिएबल हैं भाई अब की बार थ्री, समोल में लिखने हैं ये एक्स वाई जेड एंड मैट्रिक्स बी, और बी क्या बनेगी बच्चों, बी बनेगी भाई 1, 3/2 और 9। ठीक है, आगे सबसे पहला काम क्या है, डिटर्मिनेंट ए निकालना। 2 एज इट इज बेटा, ये कॉलम ये रोट, तो ये तो हो गया मेरे पास कितना 10 और प्लस के 3, ये हो गया मेरे पास 13। ठीक है, फिर माइनस 1 क्योंकि प्लस माइनस था गए, ये कॉलम ये रो माइनस में 5, ठीक है ना, प्लस में 1, ये कॉलम ये रो 3 आ गया, सोल्व कीजिए कितना आ गया 13 × 26 हो गया, प्लस के 5 31 हो गया, प्लस के 3 34 दैट इज नॉट इक्वल टू 0। और जब डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 था तो सिस्टम कंसिस्टेंस था, यूनिक सॉल्यूशन थे, फाइनल क्या था एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी निकालना। ए इनवर्स निकालने के लिए मेथड क्या था कि एडजॉइंट ऑफ ए और डिवाइड में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और 3 × 3 से बेटा आपको तो एग्जाम में बस उसी मेथड से करना है कोफैक्टर निकाल के, लेकिन मैं डायरेक्ट से करवा देता हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाएगा अदरवाइज। तो एडजॉइंट ए उसके लिए क्या था कि 2, 1, 1, 1 − 2 − 1, 0, 3 और −5। ठीक है, और पहली दो रो को दोबारा लिखना है 2, 1, 1, 1 − 2 और −1। अब दो कॉलम को दोबारा 2, 1, 0, 2, 1, और यहाँ पर कितना आ गया भाई ये 1 − 2, 3, 1 और −2। तो ये कॉलम छूट गया और ये रो छूट गई, कितना हो गया 10, और ये तो हो गया फर्स्ट एलिमेंट तो आ गया 13, नेक्स्ट एलिमेंट कितना आ गया प्लस के 5, नेक्स्ट एलिमेंट कितना आ गया 3 आ गया 3, और ये आ गया भाई कितना 8, ये आ गया −10 और यहाँ −6, यहाँ −1 + 2 यानी कि 1 आ गया, 1 − 2 यानी कि ये 3 आ गया, और −4 − 1 ये −5 आ गया। ठीक है ना, इससे पहले वाले लेक्चर में देख लेना भैया डायरेक्ट मेथड, अगर कोई बच्चा इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा हो तो इसका ट्रांसपोज कर दो बेटा, ट्रांसपोज इसका कर दिया, क्या निकल के आ रहा है हमारे पास एडजॉइंट निकल के आ रहा है, कीजिए कितना आ गया 13, 5, 3, 8 − 10 − 6 और 1, 3 और कितना आ गया −5 आ गया। ठीक है ना, ओके, निकालना क्या है हमें ए इनवर्स, ए इनवर्स निकालिए भाई, क्या है फॉर्मूला, एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना, डिटर्मिनेंट 34 है, प्रत्येक एलिमेंट को डिवाइड करने की बजाय बाहर लिख देंगे 13, 8, 1, 5 − 10 और 3, 3 − 6 और −5। तो बच्चों ए इनवर्स आ गया, फाइनली निकालना क्या हमने एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, क्या निकालना है एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी मीन्स जो एक्स है वो तो है एक्स वाई जेड, और ए इनवर्स है 1/14 और कितना है 13, 8, 1, 5 − 10 और 3 और यहाँ पर है 3 − 6 और −5 इनटू में क्या है बच्चों, इनटू में है बी, बी कितना है बोलो 1, 3/2 और 9, ओके 1/40 करो सोल्व, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 13, 2 से कैंसिल हुआ 4, प्लस में आ गया 12, प्लस के 9 भाई 5, माइनस में कितना आ गया 15, ठीक है ना, और प्लस के 27 हो गया, ओके यहाँ पर कितना हो गया देखो 3, ये हो गया 2 से कैंसिल हो गया −3 माइनस के 9 और −45, ओके भाई तो 1/40 नहीं था सॉरी 34 था, ये कितना था 34, तो 1/34 सोल्व करो, ये तो हो गया 25 25 और 9 की बात करी तो 34 हो गए, ये हो गया −10 और कुल मिला के कितना रह गया −17 रह गया ना या प्लस के 17 रह जाएगा भाई सॉरी। ठीक है, और यहाँ कितना रह गया, ये हो गया −6 − 51, 34 से डिवाइड करो भाई प्रत्येक को 1 1/2 और −3/2 17 पे कैंसिल, ओके ठीक है, किसके इक्वल है एक्स वाई जेड कंपेयरिंग करेंगे तो x कितना आ गया 1, y कितना आ गया 1/2 और z कितना आ गया बच्चों −3/2 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ आवर प्रॉब्लम।
ठीक है। तो इस तरीके से आपने करना है, और ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। और कितने नंबर में आता है? 6 नंबर में आता है। तो जब आप ये सारा का सारा काम कर लोगे ना बच्चों, तब आपको 6 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के कंप्लीट एक्सरसाइज ही समझो बेटा, और कुछ भी नहीं है। सारे के सारे क्वेश्चन आपने ऐसे ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपने कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेटमेंट दे रखी है, मैट्रिक्स मेथड बना लेना, ठीक है ना। ऑनियंस के रेट को आप एक्स के जी से डिनोट करना, और व्हीट के रेट को आप वाई के जी से, और राइस के रेट को आप जेड के जी से डिनोट कर लेना। तो इक्वेशन बन जाएगी 4x + 3y + 2z = 60। नेक्स्ट इक्वेशन बन जाएगी 2y + 4y + 6z = 90, और नेक्स्ट बन जाएगी 6x + 2y + 3z = 70। और सेम मेथड फिर बच्चों आपने लगा लेना है, ठीक है ना। तो बच्चों ये था हमारा डिटरमिनेंट, और डिटरमिनेंट का टॉपिक बच्चों आज हमने कंप्लीट कर लिया है। अब अगला टॉपिक कौन सा होगा हमारा? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जो कि एक कैलकुलस का पार्ट है। और सारे के सारे क्वेश्चन अब हम किससे करेंगे? एलिमेंट्स की ही बुक से करेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं बेटा एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।